गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। हाउ आर यू ऑल? फाइन। ऑल ऑफ यू आर फाइन? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून निर्देशा। गुड आफ्टरनून मैम। यस मैम। बेटा ये डायलॉग ना। तबीयत ठीक है तुम्हारी बिंदीशा? क्या मैम? तबीयत ठीक है? यस मैम। मैम अब मेरा टेस्ट नहीं लेना। आज टेस्ट होगा ना? टेस्ट कहाँ भागा जा रहा है? बहुत सारे बच्चे टेस्ट नहीं दिए हैं, इकट्ठे हो जाएगा, एक ही साथ हो जाएगा, ठीक है? उसके लिए चिंता नहीं करनी है, उसका एक साथ हो जाएगा सारे बच्चों का। ओके, नाउ लिसन चिल्ड्रन, वी वर कवरिंग द ओके वी वर कवरिंग द सेवेंथ लेसन ऑफ ज्योग्राफी। And today we will try to cover the topic railways. Now see, railways carry, what are railways? Okay, these are the means of transport. The railways carry heavy goods. Okay, जितने भी भारी भरकम सामान होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम जो है railways करते हैं. Heavy goods over long distances. ठीक है ना? वैसे तो waterways का भी इस्तेमाल किया जाता है long distance में heavy goods को पहुंचाने के लिए, लेकिन in comparison to waterways, okay, the railways are far cheaper. The railways are far cheaper. ये सस्ते पड़ते हैं, ठीक है ना? Okay, the railways carry heavy goods over long distances, okay, quickly and cheaply. ठीक है ना? जिस रफ्तार से railways सामान पहुंचाते हैं और जितने वर्गत किराए में पहुंचाते हैं उतने जो है waterways से नहीं हो पाता है. Now have a look, children. The invention of the steam engine, as I was telling you, okay. This steam engine, as I was telling you, in 1698, it was discovered by, it was invented by Thomas Savery. James. Thomas Savery ने इसका invention किया था, okay? और इसके इसमें innovation लाया था James Watt ने in the year 1765, okay? When I told you yesterday that I have doubt in the time period, I really had the doubt, okay? Because. मैं वहाँ जाती हूँ, कुछ अच्छी आ रही है. आप लोग बोलेंगे तो आवाज मेरी कट कट के आएगी. मैं आपके वॉइस बहुत धीरे. मैं आपकी तबीयत. यस, मेरी तबीयत ठीक है. चलो ध्यान दो क्लास पे. ओके, नाउ हैव अ लुक चिल्ड्रन. ओके, सी एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न वी वर कवरिंग द रेलवेज. ओके, नाउ steam engine, it was invented by Thomas Savery and later it was modified by James Watt in the year 1765. And we know that due to the invention of the steam engine, okay, lot of problems were solved. See, diesel and electric engines have largely replaced the steam engines. अब आज के डेट में जो पहले steam engines का प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना, DLW में आप जाएंगे तो अभी भी जो है, ओके, जो पुरानी जो ट्रेनें थी, ठीक है ना, DLW इज द डीजल कॉलोनी, जहाँ पे जो है रेलवे के जो स्टाफ होते हैं उनके लिए जो है कॉलोनी बनाई गई है DLW. इट इज इन वाराणसी, यू कैन गो एंड विजिट देयर. ओके, जो रेलवे के स्टाफ होते हैं वो लोग वहाँ पे रहते हैं. इन प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मेक द जर्नी फास्टर. एंड आई हैव सेंड यू द इमेजेस ऑफ द लेटेस्ट सुपर फास्ट ट्रेन ऑफ आवर कंट्री, दैट इज द वंदे भारत. ओके, एंड द स्पीड ऑफ दिस ट्रेन इज 180 किलोमीटर्स पर आवर. इट इज ओके नंबर वन सुपर फास्ट ट्रेन ऑफ आवर कंट्री. प्रीवियसली द नंबर वन ट्रेन वॉज गतिमान एक्सप्रेस विथ ए स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर. ओके, नाउ सी, हैव अ लुक चिल्ड्रेन, द रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरियाज. तो हम देखते हैं कि रेलवे नेटवर्क जो है प्लेन एरियाज में समतल जो क्षेत्र होते हैं वहां पे जो है बहुत अच्छे से जो है इनको डेवलप किया जा सकता है. पहाड़ी क्षेत्रों में भी है, ओके, बट उनको जो है सेट करने में जो है बहुत समय लग जाता है. एंड इट इज टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो एंड इट इज कॉस्टली. ओके, सो वी कैन एक्सपेक्ट ऑफ railways in the plain areas more in comparison to the hilly areas. Now have a look
Advanced technological skills have enabled laying of railway lines in difficult mountain terrains also, but these are much fewer in number. Indian railways network is well developed. Okay, तो हमारा इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है, इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड. आई हैव सेंड यू द इमेज ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क और आप देख सकते हैं. ओके, इट इज सी इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड. इट इज द लार्जेस्ट इन एशिया. तो एशिया में जो है, ओके, ये सबसे बड़ा नेटवर्क है. As far as Asia is concerned, it is the biggest railway network or the largest railway network. Okay. Now, have a look at the page number 50. वहाँ पे दिया गया है. देखो, the train from Xining to Lhasa runs at an altitude of 4,000 meter above sea level. तो 4,000 meter की ऊंचाई पे नीचे सी लेवल हम लोग वहां से पकड़ते हैं जहाँ पे जो है समुद्र तट की पानी है. ओके, समुद्र के तट के नीचे भी जो है, ओके, लैंडफॉर्म फीचर्स होते हैं, बट हम पानी के ऊपर वाला जो एरिया होता है उसको हम लोग लेते हैं. सो फ्रॉम द बेस, ओके, फ्रॉम द सी लेवल वी सी दैट द हाइट ऑफ दिस, ओके, सी इट इज रनिंग एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 4,000 मीटर अबव सी लेवल. And the highest point is 5,072 meter. तो देखिए नीचे से कितनी ऊंचाई पे जो है ये ट्रेन चल रही है. ओके, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई छिपकली जो है पहाड़ों पे जो है वो रेंग रही है. All of you can hear me? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Yes, ma'am. तेज चलने वाली ट्रेन तो तेजस एक्सप्रेस है ना? कौन सा बेटा? भारत में इस समय सबसे तेज चलने वाली ट्रेन. हाँ, क्या है? तेजस है. सो वन दिव्यांश कुमार. लीव देम व्हाट दे आर डूइंग. लीव देम. ओके, नाउ इन योर बुक इन द एक्सरसाइजेस, ओके, यू हैव बीन आस्क्ड मेंशन टू मेरिट्स ऑफ रेलवेज. अनुज कुमार राय, दो मेरिट्स बताइए रेलवेज के. व्हाट कैन बी द टू मेरिट्स ऑफ रेलवेज? रेलवेज के दो लाभ बताइए. रेलवेज को जो हम साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके क्या एडवांटेजेस है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द रेलवेज? यस मैम. हाँ बोलो. मैम हिंदी में बोल सकते हैं? हाँ, हिंदी में ही बोलो. तुम इंग्लिश मीडियम में बस नाम के पढ़ो. बोलो. इकोनॉमिकल. Yes, it is cheaper. Railways is cheaper. Okay, when we want to travel long distances, okay, हम लोग जो है बहुत कम किराए में जो है ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं. तो ये एक एडवांटेज हो सकता है यूजिंग ऑफ रेलवेज, रेलवेज का इस्तेमाल करने का. और दूसरा क्या एडवांटेज है? What is the other advantage? जो भारी आसानी से हम एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जा सकते हैं रेलवे का इस्तेमाल करके. ठीक है ना? ओके. यस मैम. सी चिल्ड्रन, पेज नंबर 51, द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम. ओके, द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया टू व्लादिवोस्तोक ऑन द पैसिफिक कोस्ट. ठीक है ना? तो ये देखो, ट्रांस साइबेरियन रेलवे का जो है यहाँ पे चित्र दिया गया है. और ये विश्व की सबसे ज्यादा एरिया कवर करने वाली, ज्यादा डिस्टेंस करने वाली ये व्यवस्था है. ओके, ना let us move towards the waterways. Okay, even in the past
अगर हम देखेंगे वाटरवेज के बारे में तो हम देखेंगे कि वाटरवेज का इस्तेमाल जो है अतीत में भी हो रहा था. ओके रेलवेज को इंट्रोड्यूस करने वाले हमारे देश में ब्रिटिश थे. ब्रिटिश ने जो है रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया था. और रेलवे जो ट्रैक्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, रेलवे ट्रैक्स को क्या कहते हैं हम लोग, द हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स ऑफ वुड. पहले जो है काठ की जो है पटरियां बिछाई जाती थी, उन्हें क्या कहा जाता था, द हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स ऑफ वुड. मैम पटरी. नो इन इंग्लिश टेल मी, द हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स ऑफ वुड दैट वर लेड डाउन एज रेलवे ट्रैक्स, व्हाट वर दे कॉल्ड, दे वर कॉल्ड स्लीपर. ठीक है ना, उनको स्लीपर कहा जाता था. इसीलिए जो है आप अगर आज के डेट में रेलवेज में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि स्लीपर क्लास होता है. स्लीपर क्लास होता है ना आपका, जिसमें आप सो के जाते हो. यस मैम. यस मैम. ओके सो व्हाट वी सी इज द हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स ऑफ वुड दैट वर लेड डाउन एज रेलवे ट्रैक्स दे वर कॉल्ड ओके स्लीपर्स. ठीक है ना. और ये जो स्लीपर्स होते थे इनको बिछाने के लिए जो है, इनको ले डाउन करने के लिए अंग्रेजों ने जो है, जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे, ठीक है ना, जो जंगलों में निवास करते थे, आदिवासी हो गए, इन समुदाय के लोगों का जो है उन्होंने इस्तेमाल किया था. ओके उनको जो है फोर्सिबली जो है इस काम पे लगाया जाता था. और अगर आपने ईश्वर चंद्र नॉट ईश्वर चंद्र चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो बायोपिक बनी थी उसमें आपने देखा होगा कि चंदू के जो है, उनका चंदू नाम था बचपन का, ठीक है ना, और वो जिस ट्राइबल कम्युनिटी के साथ रहते थे वो भील समुदाय के लोग थे. तो भील समुदाय के लोगों को जो है उनका जो है इस्तेमाल किया गया था इन रेलवे ट्रैक्स को जो है बिछाने के लिए. Now see waterways. You have already learned that since early days waterways were used for transportation. Okay. Listen. Listen, children. Okay. अब मान लीजिए आप जो है आप जो है जंगल से जो है बड़े बड़े लकड़ियों के गट्ठे काट रहे हैं. Okay. अब उन लकड़ियों को जो है आपको जो है ओके पहाड़ी क्षेत्र में जो जंगल है वहां से लकड़ियों को काट रहे हैं. अब उनको जो है आपको प्लेन एरिया में भेजना है तो आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे. You will use the roadways or you will use the boat. Boat. Hmm? Boat. Why boat? Boat. Boat. Ship. Ship. Boat. Ma'am, ship. Ship. Boat. Boat. Ma'am, blocks of wood. Boat. Ma'am, goat. Wait. Blocks of wood where? Listen, transported, okay, with the help of rivers. नदियों का इस्तेमाल किया जाता था. ठीक है ना, जो लकड़ी के बड़े बड़े जो गड्ढे होते थे पहाड़ी क्षेत्रों में, जो लकड़ियां होती थी उनके गड्ढों को, जंगल जो पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं घने घने तो वहां से जो लकड़ी के गड्ढे जो काटे जाते थे, ठीक है ना, उनको जो है since they were very heavy they were easily thrown in the river, they were thrown in the mountain stream and with the flow of the water they used to flow down to the plain area. ठीक है ना, आसानी से जो है ये लकड़ी के जो गड्ढे होते थे पानी में बह के जो है खूब आसानी से नीचे आ जाते थे. So this is how the water of the rivers was utilized for transportation of goods. Okay, and you can, okay, when you are watching, जब आप जो है आप देख रहे हैं